हाय नमस्ते सस्याकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो एक सीरियन बॉय के ऊपर है जो कि एक गैस टनल में काम करता है। तो ये जो वीडियो है ये है इमोशनल वीडियो ऑफ पुअर सीरियन बॉय रिसाइटिंग व्हाइल वर्किंग ऑन गैस टनल मस्ट वॉच। तो ये जो वीडियो है इसमें एक बच्चा है, सीरियन लड़का है जो कि रिसाइट करता है जबकि वो अपना काम कर रहा है एक गैस टनल में। तो सीरिया के हम लोग सब लोगों को पता है कि वहाँ की कंडीशन कैसी है, बहुत ही मतलब पथेटिक ही बोलूँगी मैं कि बच्चों को भी जब तक वो काम नहीं करते तो दे वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये वीडियो है, हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा मतलब उस बच्चे के जो भी उन्होंने इस वीडियो में बताया है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। هذا الصوت واحد شغال وقاعد يشد. اسمع 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 الصوت، قرب قرب المايك قرب المايك. اسمع اسمع الصوت، اسمع الصوت. السلام عليكم. يا هلا يا هلا. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله ما شاء الله طيب. ما شاء الله تبارك الله، ايش هذا الصوت الجبار هذا؟ تسلم. لا انت تنشد؟ والله انا انا مار من هنا اسمع. انت كنت تنشد ايش؟ الفكر يا انسان لولا اطلقته. الفكر يا انسان لولا اطلقته. لو اطلقته، لولا أطلقته، لولا أطلقته. الفكر يا إنسان. قولها قولها. الفكر يا إنسان لولا طلقته متأملا في قدرة الرحمن لقضعت إجلالا وتسبيحا له صبحا. يا الله. واحدة ثانية. أنت دائما تشتغل وتنشد؟ دائما تشتغل هنا جوا الفحم هذا تكسر وتنشد؟ وأنا خليتني والله عاوز أشتغل. ما شاء الله تبارك الله. حافظ شوية ثانية؟ قول. موطني موطني لا نريد أن
أهداف الله يحفظك إن شاء الله. أنت تقول لا نريد، لا نريد تقول لنا مؤبدا وعيشا منكدا، بل نعيد متنكدا. ينشد لا نريد ذلنا المنكدة، ذلنا المؤبدة، ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة. وهو يعمل في هذه الوظيفة. أنا أعذرني والله، يعني أنت أنشدت تنشودة يعني هي تتكلم عن أشياء عميقة جدا عن الشاب العربي واللي ينادي وطنه بعيشة كريمة وغيره، فجاني منظرك وأنت تنشدها، يعني انت تنشد شيء والواقع شيء، فهذا اللي حزنني، فمعليش والله يعني. فالله يكرمك احمد ان شاء الله، الله يكرمك ان شاء الله. انت والله المعذره يا احمد، معليش يعني. طيب ايش كمان؟ صوتك جميل ما شاء الله يعني. وبدك تقرا ايضا؟ تقرأ القرآن لمن؟ يا عبد الرحمن نسعد. قولت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطلع اطلع اطلع، وين الباب؟ من هنا تطلع. تطلع من هنا؟ كيف تطلع من هنا؟ عبد الله في زيارة لواقع عندما تمد عينيك فيه وترى وجوه الأطفال تجزم أن كل بؤس الدنيا قد اجتمع وأقام في هذا المكان، واقع قتل معاني الضحك والتفاؤل والطفولة وبراءتها، واقع ترادفت عليه المصائب وتوالت عليه النكبات وتواترت فيه الأسقام، وانتهت معاني الكلام إلا من جملة واحدة: متى ننتهي؟ I'm also speechless. मतलब सीरिया की हम सबको सिचुएशन पता है कि कैसी है. छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पे काम करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि या तो उनके पेरेंट्स नहीं रहे या उनका कोई फ्रेंड नहीं. अगर फ्रेंड होंगे भी तो वो कितनी उनकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि वो सब भी सेम सिचुएशन में ही हैं. और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, दे आर फोर्स टू वर्क 7 days इन अ वीक, और हम लोग जितना काम करते हैं उससे मतलब कई गुना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 20-30 times ज़्यादा उन लोगों को काम करना पड़ता है. और जितना हम अर्न करते हैं
उससे शायद इन लोगों को हाफ भी नहीं मिल पाता है. तो मतलब इनकी सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही पैथेटिक है वहाँ पर, और इनके लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है. मतलब हम हमेशा बस प्रे कर सकते हैं कि उनकी सिचुएशन ठीक हो जाए और एटलीस्ट एक नॉर्मल लाइफ जो होती है वो तो जीने के लिए जीने लायक बन जाएं ये लोग भी. इसकी आवाज़ बच्चे की इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है. मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगा था शायद वो कुरान रिसाइट कर रहा है जब वो टनल के अंदर में था, बिकॉज वो भी अरेबिक में ही था जो वो बोल रहा था. वो एक पोएम थी और इसमें जो उसने अपने होमलैंड के लिए भी जो लाइन्स आगे बोली थी, तो वी कैन कोरिलेट कि मतलब जब एक इंसान अपने घर से बहुत दूर होता है तो हमेशा वो होम सिकनेस और इंसान को होती है कि मेरा घर, मेरा मेरी धरती और मेरे वो मेरा लैंड है, यहाँ पर मुझे रहना चाहिए था. लेकिन ड्यू टू ऑल दीज कंडीशंस वो दीज पीपल आर फोर्स्ड कि वो लोग कहीं और रहें, अपना कहीं और जाके ज़िंदगी जिए. तो उस टाइम पे वो शख्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. हम लोग जब तक अपने देश में हैं, अपने मुल्क में हैं, हम लोगों को फील भी नहीं होता कि हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि हम सब लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं. वी आर लकी इनफ कि हम लोग अपनी कंट्री में रह रहे हैं, अपने तरीके से रहते हैं और जो हमें करना है वो हम लोग कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के. लेकिन जब आपको अपने देश से निकाल दिया जाए या आपके देश की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाए तो उससे ज़्यादा बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती. तो ये बच्चा भी जो इसने होमलैंड के ऊपर जो पोएम रिसाइट की थी, इसके इमोशंस, इसकी फीलिंग्स जो थी, इसका वो जो दुख है ना इसके अंदर वो जाहिर हो रहा था. कितना इनोसेंट था, उसकी आँखों में कितनी शांति थी. मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मतलब क्या ही बोले, मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस. आई हैव नो वर्ड्स कि मैं उस दुख को फील भी कर सकूं. मतलब एक टनल के अंदर वो काम कर रहा है, वो कितना तप जाता होगा, क्योंकि मुझे तो वो ऐसे लग रहा था जैसे मेटल का बना हुआ है. तो कितनी क्रिटिकल, कितनी मतलब बुरी सिचुएशन में उसे काम करना पड़ रहा है. लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए ये सब ज़रूरी है. जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है. आई विश कि वो रब सबको हर जगह शांति करे और सबको अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब ज़िंदगी में शांति दे, और मतलब उनकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना सबको सॉल्व कर दे. एटलीस्ट इतनी ज़्यादा पैथेटिक तो किसी की लाइफ ना हो. अगर बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ किसी को नहीं मिलती, एटलीस्ट इतनी ज़्यादा पैथेटिक लाइफ भी नहीं मिलनी चाहिए. बस एक यही दुआ है मेरी कि वो खुदा इस दुनिया में हर जगह शांति बना के रखे और सबकी ज़िंदगी को आराम से बिताने के लिए उनको वो सारी फैसिलिटीज़ दें. और आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं. बाय बाय.